आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं एक दो सवाल करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आप बेहिचक होकर सवाल करिए जी। क्या नाम हो गया आपका? प्रोफेसर ब्रज किशोर मेहता, राजनीति विज्ञान का मैं प्रोफेसर हूँ। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं आप, तो बहुत अच्छा, जाहिर सी बात है अच्छा सवाल आएगा। मैं आऊँगा, एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि सरकार 2014 में ये ऐलान की थी मोदी जी कि केंद्रीय न्यायिक आयोग का हम गठन करेंगे और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीधी प्रतियोगिता परीक्षा लेकर के गरीब बच्चों को जाने का अवसर देंगे, ये चीज नहीं हो सका। दूसरी, स्वच्छता की बात हो रही है भारत में, मोदी जी स्वच्छता पर बहुत जोर डाल रहे हैं, लेकिन आज भारत में 1.4 लाख टन कचरा प्रतिदिन निकलता है जिसका इलाज आज तक सरकार नहीं कर पा रही है। एक छोटा सा देश स्वीडन जो 32 फैक्ट्रियां लगा करके 8 लाख घरों को बिजली दे रही है, जीरो गार्बेज पर जो है स्वीडन पहुंच गया। तीसरी चीज, सीजीएल में जितनी नियुक्तियां थी 30,000 करीबन कांग्रेस के टाइम में प्रतिवर्ष नियुक्तियां होती थी, आज वो 7,000 पर सिमट गया। रेलवे में 1 लाख से ऊपर अधिक भर्तियां होती थी हर साल, वो बिल्कुल 2-4-5 हज़ार पर सिमट गई। बैंक में जो है से 1.5 लाख प्रतिवर्ष कांग्रेस के टाइम में ये बहालियां होती थी, ये सब रुक गई। हमारा एयरपोर्ट आज 7 बार 5 बार यहाँ का सांसद बने जसवंत सिन्हा और जीएन सिन्हा, जिन्होंने उड़ियन मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने पूजा पाठ करके ही छोड़ दिया, आज तक बन नहीं पाया। सर, यहाँ इचा हजारीबाग इको सेंसेटिव जोन में आ गया है, 3-4 प्रखंड, आज हजारों क्रेशर बंद हो गए, कई हजार मजदूर जो ऐसे रास्ते पर हैं, इसकी कोई इलाज नहीं चल रहा है। मनीष जी जो, और मुझे एक सवाल और भी, जब घूम रहा था जी, जब आपने इतनी सवाल किए तो मुझे लोगों ने बताया कि कुछ गांव तो ऐसे हैं जो पूरे के पूरे गांव बीमार हो गए हैं, इतनी ज्यादा गर्दा, इतनी ज्यादा कोयला का जो प्रदूषण है वो के पूरे के। हाँ जी, खड़े हुए, अरे आपको बड़ी देर से देख रहा था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन हुआ। चंदन, अंदर आइए चंदन। हाँ, क्रिकेट खेलते हैं? जी खेलता हूँ। तो मिडिल ऑर्डर में है या ओपन में है या? मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर, अच्छा। 4 बॉल में कितने रन मार दिए? 4 ओवर में 60 रन, 6 चौक 24 बॉल में 60 रन मार दिए। जी, शाम में प्रैक्टिस करता हूँ। तो शाम को प्रैक्टिस करते हैं, आईपीएल खेलना है? नहीं, अब तो एज निकल गया। हाय हाय, एक बात कहें चंदन, कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। एक बार अरिस्टोटल से, अरस्तू से और सिकंदर दोनों जा रहे थे, रास्ते में नाला पड़ गया, तो अरस्तू ने कहा, अरिस्टोटल ने सिकंदर से कहा कि तुम रुको, मैं कूद के उधर चला जाता, तू तो सिकंदर है, तू राजा है, महाराजा है, एम्परर है, तू इधर ही रुक, मैं उधर जाता हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं उधर जाके दिखाता हूं। तो सिकंदर ने मालूम क्या कहा? सिकंदर ने कहा कि नहीं, आप इधर ही रहेंगे, मैं उधर जाऊंगा। तो बोला अरिस्टू ने कहा कि अगर जाते में कहीं खंदक में तुम गिर गए और मर गए तो क्या होगा? अरे एम्परर कैसे मर सकता है? तो उसने कहा कि आपने एक सिकंदर बनाया है, आप 100 सिकंदर बना सकते हैं। तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप 100 धोनी पैदा कर सकते हैं। बजाओ ताली कसके। जो 24 बॉल में 60 रन बना सकता है, उसके कंधे तो बड़े मजबूत हैं। कोशिश करिए, और कभी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए शो करने यहां जरूर आ जाऊंगा, और किसी के लिए आऊं ना आऊं, मैं आपके लिए जरूर आ जाऊंगा। एक अच्छी सी नर्सरी बनाइए क्रिकेट की, उसमें बच्चों को ट्रेन करिए, भविष्य बनाइए, और वो बच्चे जब जाएंगे ना तो वो आपको कहेंगे, अरे चंदन सर, आप ही से सीखा है, 1 ओवर में 36 मारे। बिल्कुल, हो जाएगा ना। थैंक यू सो मच। कुछ कहना भी था? नंबर आओ, 10 नंबर है, नंबर ले लो, 10 नंबर है। मेरा सवाल दोनों पार्टी से है। सुनो। हाँ जी, सबसे पहले बीजेपी के जितने लोग हैं यहाँ पे, सभी जितने भी मनीष जायसवाल कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनसे उनका पर्सनल मुलाकात हो पाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पे दिया गया है, मेरे हिसाब से तो मुन्ना भैया ही सही थे। क्या जवाब? मुन्ना भैया, क्या जरूरत थी एक्सपोर्ट करने की किसी और पार्टी से? मुन्ना भैया ही काफी थे। बिल्कुल, लोकल थे, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे, उसका क्या ठिकाना? मुझे बताएं, तुम्हें तुम्हारी बात बताएं क्या है। कभी कभी मुझे लगता है ये बिल्कुल वैसा ही है कि 4 खिलाड़ी आईपीएल में एक ही टीम में फॉरेन के आ गए, और हमारे चंदन क्या बुरे थे, हमारे चंदन खेल सकते थे। तो हाँ, बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल साफ। कार्यकर्ता कार्यकर्ता जब निराश होता है तो पार्टियों की नींव हिलने लगती है गुरुजी, और ये मैं बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है मेरा अरुण मुन्ना भैया, मैं थोड़ा अनुभव के बाद बता रहा हूं। अगला 40 सेकेंड आपके। न्यूज 18 के सभी टीम और यहां मौजूद जितने भी साथी हैं सबको क्रांतिकारी जोहार। साथियों, सरकार देश में भी है और प्रदेश में भी है, सरकारें आएंगी भी, सरकारें जाएंगी भी, नए सांसद बनेंगे, नए विधायक बनेंगे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सांसद विधायक जो भी करें अपने कार्यकाल में अगर वो कोई घोषणा करते हैं तो वो 5 साल में घोषणा पूरा होना चाहिए। हजारीबाग में मैं बरसों बरस से देख रहा हूं केवल ये घोषणाओं का लोकसभा क्षेत्र है। बहुत बरस पहले यहां एनटीपीसी का पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ था, आज तक कोई पावर प्लांट नहीं लगा, केवल कोयला ढोने का काम हो रहा है। इसके बाद यहां एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, कोई जहाज यहां से नहीं उड़ता है। यहां पर यूनिवर्सिटी का हालत है, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आप यहां पर मेडिकल कॉलेज है लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोई इलाज नहीं होता है, दलाल वहां लगे हुए हैं। कोई भी मरीज जाता है या तो उसे नर्सिंग होम में भेजा जाता है और या तो फिर उसको यहां से रेफर कर दिया जाता है, इलाज भी नगण्य है। हजारीबाग की व्यवस्था बहुत खराब है, यहां से कोयला जा रहा है, यहां डीवीसी है लेकिन यहां बिजली की लचर व्यवस्था है। पानी हजारीबाग में 90% लोग हैं वो अपने इंतजाम खुद किए हुए हैं, यहाँ का विभाग उनको पानी सप्लाई नहीं करता है। ये हालत है यहाँ की। लोग यहाँ पर कई मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन जो भी सांसद विधायक बने अपने वादों पर वो खरा उतरे। बहुत साल पहले यहाँ पर वीडियोकॉन का भी शिलान्यास हुआ था फैक्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में, वो शिलान्यास का पट भी अभी तक गायब हो चुका होगा। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक